ये है ओप्पो F21s Pro 4G स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन से पहले F21 Pro आया था और उसका छोटा भाई S लगा के इसको बेच दिया है। इसका आज हम फुल कैमरा टेस्ट करेंगे। ये वही मोबाइल है जो बारीकी डिटेल से फोटो क्लिक करता है। इसके रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरा तो भाई 32 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें सोनी आईमियक 709 सेंसर लगा हुआ है। तो इसके फाइनली कैमरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाइट मोड मिलता है जिसमें जूमिंग भी मिल जाती है और अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं। तो गाइज कैमरा की फुल सेटिंग बताएंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब और करें। वीडियो के अंदर आप इसमें हाईएस्ट 10x तक जूम कर पाओगे। अगर बात करें जूमिंग क्वालिटी की तो भाई 10x करने पर तो पिक्सल्स वगैरह फटने लग जाते हैं। फोटो और वीडियो दोनों में 10x तक जूम कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी में 1080p 30fps पर हाईएस्ट वीडियो शूट कर पाओगे। यहाँ पर सेटिंग में वाटर मॉक मिल जाता है जहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। गाइज फोटो जब क्लिक करोगे तो भाई नीचे आपका नाम लिखा आएगा जो आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसके अंदर मैक्रो लेंस तो दे दिया है भाई, अच्छी बात है, लेकिन वाइड एंगल कैमरा नज़र नहीं आता है। फोटो के अंदर आपको क्वालिटी तो अच्छी मिल जाती है। फोटो को और अच्छा बनाने के लिए अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं यहाँ पर। और भाई ब्यूटी मोड देना हो तो रीटच के ऊपर करके आप क्लिक करके ब्यूटी मोड बढ़ा सकते हो। फोटो की डिटेल की बात करें तो काफ़ी सही देखने को मिलती है। और पोर्ट्रेट कैमरा, अगर बैकग्राउंड के अंदर आपको ब्लर में फ़ोटो के अंदर इफेक्ट डालने हैं तो बोके इफेक्ट लगा सकते हो और नेचुरल भी लगा सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो क्लिक करके जब आप देखोगे तो डिटेल्स अजीब सी लगेगी, लेकिन कुछ देर बाद में अपने आप सही तरीके से कस्टमाइज़ कर देता है। एजेस वगैरह है, जो कलर है वो अपने आप कस्टमाइज़ करता है और फ़ोटो को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। नॉर्मल कैमरे से फोटो क्लिक करने पर कुछ इस तरीके के डिटेल देखने को मिलती है और HDR कैमरा ऑन करने पर कलर्स वगैरह और डिटेल ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर बात करें डायनेमिक रेंज की तो काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ करता है और कलर्स वगैरह नेचुरल मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर प्रो मोड, एक्स्ट्रा HD, पेनरोमा मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, माइक्रोस्कोप, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो बात करते हैं एक्स्ट्रा HD जिसमें आपको जूमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस बार कुछ नया किया है। अगर आप हाई रेजोल्यूशन में जूमिंग करके भी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा HD के अंदर आके जूम करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो जिसमें 5x तक जूम मिलता है। अगर बात करें डिटेल की तो 5x एक्स्ट्रा HD के अंदर काफ़ी डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर यही फ़ोटो हम नॉर्मल कैमरे से क्लिक करते हैं 5x पर तो पिक्सल्स वगैरह फटे हुए देखने को मिलते। तो गाइज ये वाला मोड्स काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि आपको डिटेल के साथ में फ़ोटो क्लिक करनी हो तो इस मोड के अंदर क्लिक कर सकते हो। 1x पर एक्स्ट्रा HD में क्लिक करके देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं फ़ोटो को जूम करके। अगर इसी फ़ोटो को हम नॉर्मल कैमरे से क्लिक करके देखें तो गाइज कुछ इस तरीके से डिटेल देखने को मिलती है। जैसे कि भाई हमने इसके नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो क्लिक की और हाईएस्ट इतना ही जूम कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल जूमिंग बारीकी करके देख नहीं सकते। और ये वाली फ़ोटो हमने एक्स्ट्रा HD मोड के अंदर क्लिक की जिसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जूम करके और डिटेलिंग के साथ में फ़ोटो देख सकते हैं गाइज। फाइनली बात करते हैं इसके मैक्रो स्कोप लेंस के बारे में, जहाँ पर आप भाई छोटी से छोटी बारीकी चीज़ की फ़ोटो डिटेल के साथ में क्लिक कर सकते हो। जैसे कि भाई आप देख सकते हो घास की पत्ती है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है बारीकी डिटेल के साथ में, और इसमें भाई काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो आप। इस मोड को ऑन करने के बाद में आपको बिल्कुल टच करके लगाना है मैक्रो स्कोप लेंस कैमरा के, फिर कुछ इस तरीके से डिटेल में फ़ोटो देखने को मिल जाती है। अगर भाई सेट के ऊपर हम इसको टच करके देखते हैं मैक्रो स्कोप को, तो भाई एक एक धागा नज़र आता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसके अंदर भी आपको 30m पर जूम करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। वीडियो में 1080p 30fps पर हाईएस्ट वीडियो शूट कर सकते हो। 4K का ऑप्शन नहीं है और इसके कैमरे में स्टेबल मोड भी नहीं मिलता है। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 4K या फिर स्टेबल मोड तो होना चाहिए था। ओवरऑल डिटेल्स वगैरह तो शाम के वक्त भी काफ़ी सही देखने को मिली थी। पंचोल कैमरे में 32 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें सोनी के सेंसर है। सेल्फी कैमरे में पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और बोके फ्लेयर इफेक्ट भी दिया है। बोके फ्लेयर इफेक्ट में बैकग्राउंड के अंदर आपको जो लाइटिंग कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है राउंड शेप में, जो इसके बोके फ्लेयर इफेक्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाता है ब्लर मोड के अंदर।
और फ्रंट कैमरे में कभी कभार तो एजेस वगैरह चेहरे पर भी आ जाते हैं, जैसे कि ब्लर चेहरे पर आ रखा है। इसलिए अगर आप फ्रंट कैमरे से बोके इफेक्ट के अंदर फोटो क्लिक करते हो तो आपको हाथ को स्टेबल रखना होगा। 1080p 30 fps पर फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर पाओगे। फ्रंट कैमरे में आपको 4K मोड नहीं मिलता है, ना ही स्टेबल मोड मिलता है, लेकिन क्वालिटी वाइज बात करें तो काफ़ी सही है गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रंट कैमरे में हम इसमें चलते हुए वीडियो शूट करते हैं तो स्टेबल मोड तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी सही बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस है 22,990 रुपये। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर कैमरा क्वालिटी सही है। इसमें आपको अगर फोटो क्लिक करनी है तो फ्रंट में पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी मिल जाते हैं और रियर में, लेकिन स्टेबल मोड वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। अगर स्टेबल मोड होता या फिर बोके फ्लेयर इफेक्ट की जगह बोके वीडियो शूट भी होता या 4K वीडियो होता तो कैमरे में और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर कैमरे क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट गाइज इसे खरीद सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इस स्मार्टफोन से भी ज़्यादा कैमरा क्वालिटी में मोबाइल चाहिए तो अदर ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि वीवो के अंदर या फिर IQ के अंदर, और एक नज़र रियलमी ब्रांड की तरफ भी डाल सकते हो। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में।